हेलो, नमस्कार, आदाब। आज आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं बांका जिले में, जहां डीएसपी से लेकर पुलिस वाले सभी के सभी फर्जी, मतलब पूरा थाना ही फर्जी निकला। आप देख सकते हैं फिल्मों में ऐसा होता था, लेकिन वर्तमान में बिहार में बांका जिले में देखने को मिला, जहां पुलिस से लेकर डीएसपी तक फर्जी, मतलब पूरा थाना ही फर्जी निकला। अब तक इस कदर बढ़ जाएगी किसी को मालूम ना था। जी हां, चौकी नहीं, बिहार के बांका जिला मुख्यालय में पिछले 8 महीने से फर्जी थाना चल रहा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। इस तथाकथित थाने के माध्यम से, जालसाजी के माध्यम से गरीब लोगों से पैसा ऐंठने का काम बदस्तूर चल रहा था। बुधवार को अहले सुबह पुलिस ने छापेमारी कर शहर के अनुराग रेस्ट हाउस में फर्जी तरीके से संचालित हो रहे नकली थाने का पर्दाफाश किया। छापेमारी में पुलिस ने पुलिस की फर्जी वर्दी में एक युवक और एक युवती को भी गिरफ्तार किया। नकली दरोगा बनी युवती अनिता देवी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। उसने बताया कि ये कट्टा उसे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सीखने के लिए दिया गया था और उसे नौकरी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कहने पर दी गई है। उदघटिया कौन थाना पड़ता है? जिला किससे बात की थी? किससे बात करके नौकरी ली थी? अभी जो नाम बोली फिर से बोलो। कौन है हेमंत सोरेन तुम्हारा? झारखंड मंत्री? बिहार में बहाली कर दिया? बिहार पुलिस? झारखंड से बिहार पुलिस का बहाली? झूठ बोल रही है। फर्जी पुलिस थाने में मुंशी का काम कर रहे फुल्ली डूमर के लोडिया गांव के रहने वाले रमेश कुमार और सुल्तानगंज के खानपुर के रहने वाली जूली कुमारी को भी हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही भागलपुर जिले के खानपुर में रहने वाले आकाश कुमार को भी पुलिस वर्दी और अन्य कई कागजात के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में सभी आरोपियों ने बताया कि वो अपने सीनियर ऑफिसर भोले यादव के निर्देश पर काम कर रहे थे। गश्ती के क्रम में हमारे टाउन थाना प्रभारी शंभू यादव जी जब गश्ती कर रहे थे, चेकिंग के अभियान में, उनको एक महिला एक वर्दी में दिखी जो काफ़ी संदिग्ध उनको लगा, तो उनको पकड़ करके पूछताछ करने के लिए जैसे ही रोके तो वो भागने लगी और जाके उन्होंने और अपने महिला सिपाहियों के सहयोग से उसको पकड़ा। पकड़ करके एक बगल में ही एक गेस्ट हाउस था जहाँ पर वो लोग एक ट्रस्ट के नाम पर, एक स्कॉट पुलिस टीम पटना के नाम पर इन्होंने बना रखा है एक ट्रस्ट, जो कि इनका काम है, इन्होंने लिख रखा है कि ये एक जिला समादेष्टा कार्यालय पटना में ये लोग आवेदन लेते हैं और ये लोग का कहना है कि हम लोग पुलिस में भर्ती कराएंगे, जो बिल्कुल जाली और एक गलत तरीके से निकला। और ये लोग जो लोग पकड़ाए हैं, साथ में दो वर्दी भी पकड़ाया है जिसमें बिहार पुलिस का बैज भी लगा हुआ है और एक चौकीदार का बैज लगा करके था, ये लोग लोकल ग्रामीणों को ठग करके लोगों को प्रलोभन दे करके कि उनकी नौकरी बिहार पुलिस में लग रही है और खुद को पुलिस वाला बता करके ये लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, जिसमें एक एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुल 4 लोगों को अभी डिटेन किया गया है, फर्दर अभी पूछताछ जारी है और अभी इसमें जो तथ्य आएंगे आप लोगों को समय पर बताया जाएगा। हथियार भी बरामद, एक एक कट्टा है जो कि उसमें था वहां पर से बरामद हुआ है। हैरान कर देने वाले इस मामले में पुलिस का भी सिर चकरा गया। आरोपियों ने बताया कि काम के एवज में उन्हें हर दिन 500 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। अब बताइए, भला फर्जी दरोगा और फर्जी पुलिस के इक्के दुक्के मामले जरूर सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा थाना ही फर्जी निकल गया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।